दोस्तों बात की जाए तो आईआईटी मद्रास ने अपना खुद का ओएस यहाँ पे निकाले जिसका नाम है भरोस, यानी कि भार ओएस भी जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन भरोस के बारे में बात करें, इसे निकालने की यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी, क्या ये हमें मोबाइल फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या चीज अलग देखने को मिलेगी, क्या ये एंड्रॉइड को रिप्लेस करवाएगा, देखो इन सब सवालों के जवाब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, यहाँ पे ये भी पता चले कि ये काफी सारे हैंडसेट मैन्युफैक्चर यानी कि स्मार्टफोन मेकर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और फ्यूचर में कुछ फोन्स ऐसे आ भी सकते हैं जिसके अंदर आपको भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिले। लेकिन सवाल आता है कि ये ओएस यहाँ पे अभी क्यों आया? देखो एक बात यहाँ पर है कि गूगल के बीच अभी काफी सारे आरोप लग रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी एंड्रॉइड के अंदर जो मोनोपोली बना रखी है ना उसे गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले काफी बड़े बड़े डिसीजन आए हैं और उसके बारे में काफी अच्छे वीडियो बनाए, लिंक दे रहा हूं बटन में, जाके एक बार देख लेना, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और ठीक उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आती है कि इंडिया वाले अपना खुद का एंड ओएस यहाँ पे निकालेंगे जो कि प्राइवेसी फोकस्ड ओएस होगा जिसे इंडिया के डेवलपर्स इंडिया के लोगों के लिए बनाएंगे और एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर किसी भी कंपनी के ऐसे मोनोपोली देखने को नहीं मिलेगी। इस टाइप की भी कुछ रिपोर्ट्स हमें कुछ समय पहले सुनने को मिली थी और ठीक उसी के बाद अभी हमें भरोस देखने को मिला है आईआईटी मद्रास की तरफ से। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये एक ऐसा एक प्राइवेसी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको कोई भी नेटिव एप्स देखने को नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब है आमतौर पर मोबाइल फोन में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आपका क्रोम होता है, इसके अंदर इस टाइप की कोई एप्स देखने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको इसका खुद का प्राइवेट एप स्टोर सर्विस देखने को मिलेगी जिसे यहाँ पे पास भी कहा जा रहा है, जिसके अंदर वही एप्स अलाउड होंगी जो पूरी तरीके से सिक्योर है और आपके डेटा को प्राइवेट रखती है। उन्हीं एप्स को स्टोर के अंदर रखा जाएगा और वहां से जो यूजर है वो उन एप्स को डाउनलोड कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है और उन्हें अपने डिफॉल्ट ऐप के तरीके से यूज कर सकता है। कुल मिला के बात किया जैसे गूगल ने अपनी मोनोपोली एंड्रॉइड के अंदर क्रिएट कर रखी ना, उसे हटाने का यहाँ पे उन्होंने एक तरीका इधर बताया, यानी कि ये जो ओएस है यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को टॉप प्रायोरिटी दी है। इसके साथ ही एक और फीचर बताया नेटिव ओवर द एयर अपडेट, यानी कि फोन के अंदर का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और यूजर को बार बार अपडेट वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने बताई है। लेकिन हाल फिलहाल जो इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह निकाले थे उसे देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एंड्रॉइड जैसा है। वेल थोड़ा डिकआउट करने में पता चला ये देखा जाए तो बिल्कुल एक एंड्रॉइड की ओएसपी जो रोम होती है जो कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है ना उस पर बेस्ड है। देखो बेसिकली क्या है कि गूगल ने एंड्रॉइड को बनाया है लेकिन जो गूगल है उसने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स रखा है और दुनिया की कोई भी कंपनी कोई भी इंसान उसको यूज करके अपना एक सॉफ्टवेयर अपना एक ओएस अपनी क्रोम यहाँ पे बना सकता है और इसी कारण आपको मार्केट में काफी सारी कस्टम रोम्स देखने को मिलती है। तो गूगल यहाँ पे पैसा लेती है लाइसेंस लेने का अपने गूगल प्ले स्टोर गूगल की एप्स के लिए। लेकिन अगर दुनिया में कोई भी इंसान अगर एंड्रॉइड के बेस पर अपना खुद का ओएस बनाता है और उसे यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर निकाल के बेच सकता है तो वो कर सकता है चीज है। लेकिन अगर गूगल की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए उसे पैसे भरने पड़ते हैं। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था और बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे यही किया कि एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था उसी को लिया, उसी को ही इन्होंने डीक्लटर किया, मॉडिफाई किया और उसको प्राइवेसी फोकस बनाते हुए आपको ये चीज यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है। बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं एक कस्टम रोम जो यहाँ पे भरोस के नाम से आपको अवेलेबल होगी, यानी कि ये एंड्रॉइड का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस एंड्रॉइड के अंदर एक नई टाइप की आपको रोम यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बात करें तो कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे बेस्ड है, देखो थोड़ा बहुत डिकआउट करने के बाद पता चला कि ये एंड्रॉइड 12 या उसके ऊपर होगी। देखो एग्जैक्ट वर्जन अभी बताया नहीं जा सकता लेकिन एंड्रॉइड 12 के ऊपर का ही वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जो बेसिक उसके जो कोर फीचर्स वो ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर जो फालतू की जो नेटिव चीजें थी उन्हें यहाँ से हटा दिया है, अभी हमें इतना पता चला। हालांकि बात किया तो जब हम नेटिव ओएस बनाने की बात यहाँ पर करते हैं तो एक सवाल आता है कि हम खुद का ओएस यहाँ पे क्यों नहीं बनाते, हमें एंड्रॉइड की यहाँ पे मदद क्यों लेनी पड़े। देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एंड्रॉइड मार्केट में बहुत पहले से है और काफी ज्यादा मैच्योर ओएस है और अभी इस समय ग्राउंड लेवल से ओएस बनाया जाएगा तो उसके साथ हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें होंगी। और एओएसपी यूज करने का बेनिफिट यहाँ पर है कि ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी एप्स का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और किसी भी ऐप डेवलपर को दोबारा से अपनी ऐप के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपनी एप्स को यहाँ पे इजीली पुश कर सकता है। यानी कि एओएसपी का यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना इजी पड़ता है, एप्लीकेशंस की दिक्कत नहीं होती है, कंपेटेबिलिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने यहाँ पे किया है, इससे पहले अमेज़न जैसी कंपनी ने भी यहाँ पे कर चुके हैं। अमेज़न के फायर डिवाइसेस आते हैं ना जैसे फायर टीवी स्टिक वगैरह, उसके अंदर भी एंड्रॉइड ही आपको देखने
देखने को मिलता है, बस उसके अंदर गूगल वगैरह हटा के उस एंड्रॉइड को अमेज़न ने अपने हिसाब से पूरी तरीके से रीडिजाइन किया। और सिमिलर कहानी ऐसे कुछ गाड़ियों के साथ भी, जैसे कि मेरे पास ओला S1 Pro और उसके अंदर मूव OS देखने को मिलता है, लेकिन मूव OS भी इंटरनली एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। बिल्कुल ये चीज मैंने यहाँ पे चेक करी थी। कुल मिला के बात किया तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू OS आपको यहाँ देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन एंड्रॉइड का यूज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज वर्जन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, और यही चीज यहाँ पर की गई है। लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर इसका लोग यहाँ पर यूज करेंगे कैसे। देखो, अगर एक कस्टम रोम से अवेलेबल है तो हो सकता है कि इसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, क्योंकि बात की जाए जो कस्टम रोम्स होते हैं वो मार्केट में पहले ही बहुत सारे हैं, और इवन प्राइवेसी फोकस कस्टम रोम भी आपको देखने को मिलती है, जैसे ग्रफीन OS वगैरह। और अभी इस समय मैं भी कस्टम रोम को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी फ्यूचर में वीडियो आने वाला है। उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहता तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि कस्टम रोम रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन एक बात बताऊं यहाँ पर आपको कि यहाँ पे कस्टम रोम के भी अपने नुकसान होते हैं। देखो, बेसिकली हॉबिस्ट और जो एंथुजियास्ट होते हैं ना, उसको वो लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, और जब उसके अंदर कुछ इशू आता है तो लोगों से रिजॉल्व करना पड़ता है, ऊपर से बूट लोडर अनलॉक वगैरह करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वहां पर भी प्राइवेसी रिलेटेड चीजें रहती है। तो कुल मिला के बात करें तो कस्टम रोम के रूप में तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो जाता, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे डेवलपर्स, इवन इंडियन डेवलपर्स की तरफ से भी काफी अलग अलग टाइप की कस्टम रोम अवेलेबल है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छा कर सकते ना, वो कर सकते किसी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप। अभी भी हमने किसी भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ इसकी पार्टनरशिप के बारे में नहीं सुना है। अगर ये पार्टनरशिप करके भरोसे को किसी तरीके से एक मोबाइल फोन कंपनी अपने फोन के अंदर लेकर आती है तो वो एक यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी के समय क्या रहता है, वो एंड्रॉइड को ही लेते हैं, एंड्रॉइड को यहाँ पर डाल कर देते हैं। लेकिन अगर भरोसा आएगा तो कुछ शायद एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी रहेगी कि भरोसे को वो लोग अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करते हैं, ये एक चीज है देखने वाली। लेकिन फिलहाल के तौर पर ये एक कहानी होती है भरोसा और एंड्रॉइड की। कुल मिला के बात करें, भरोस जो वो एंड्रॉइड का ही एक पार्ट है, बट विदाउट गूगल, विदाउट गूगल का प्ले स्टोर, और एक कस्टम रोम, एक OSP रोम के तरीके से। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोग यहां समझ गए होंगे, लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि कुछ नई चीज आपको देखने को मिली। अब देखते हैं कि ये चीज आगे चल के इवॉल्व कैसे होती है, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं कि नहीं आते मार्केट के अंदर। बाय द वे, अगर भरोस OS के साथ कोई मोबाइल फोन मार्केट में है तो क्या आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।